तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे, साथ ही पार्टी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। इसी के साथ पार्टी के आला नेता भी जनसभाओं को संबोधित आज करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जल्द ही घोषणा पत्र भी जारी करेगी, जिसमें किसानों की आय दोगुना करने, किसानों को कृषि से जुड़े मामलों में रियायत देने जैसे मामलों को शामिल किया जा सकता है। भाजपा आधी आबादी को साधने के लिए भी महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वांचल और कानपुर बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए भी खास योजनाओं को संकल्प पत्र में घोषित किया जा सकता है। कानून एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए नई भर्तियों सहित अन्य कार्यों को भी शामिल किया जा सकता है। तो वहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को भी घोषणा पत्र में महत्व दिया गया है। तो चुनावी प्रचार का दौर बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में प्रचार करेंगे और जन जन से यहां पर चुनाव की अपील भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की अपील भी करेंगे। और इसी के साथ बड़ी जानकारी ये कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जल्द ही जारी हो सकता है। किसानों, युवाओं, महिलाओं पर विशेष फोकस इस घोषणा पत्र में उनका रहेगा, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत बिल्कुल चुनावी रंग में इस वक्त रंगी हुई पूरी जो सिटी है वो नजर आ रही है, पूरा राज्य नजर आ रहा है और पूरे देश की निगाहें भी इस चुनाव पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील यहां पर की जाएगी। साथ ही 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र ही भारतीय जनता पार्टी जल्द ही जारी कर सकती है। चलिए खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए लगातार जो घोषणाएं हैं घोषणा पत्र से जुड़ी हुई उनको लेकर सभी कयास लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आखिर कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो फोकस में रहेंगे। इसी बीच अब जानकारी है कि जल्द ही घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार दौरे कर रहे हैं गोरखपुर के, आज भी उनके डोर टू डोर प्रचार की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। किस तरीके से यहां पर पूरा कार्यक्रम रखा गया है आज का? देखिए, जब भी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उसमें लेकर लगातार निकले जो प्रयास थे कि वो क्लियर से चुनाव लड़ना और कल जब योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया तो अब कहीं ना कहीं पश्चिमी जो पूर्वांचल की सीटें जो पूर्वांचल के क्षेत्र साधने के लिए जो लगातार जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कब्जे पर दी गई है तो उसे साधने का लगातार मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ और गृह मंत्री आदि और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। प्रयास रहेगा कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड की जो खास योजना है घोषणा भी हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की बात की जाए तो जो बता रहे हैं कि कल तक विभिन्न पार्टी अपना संकल्प पत्र बात की है। हालांकि 2017 में अगर बात की जाए भारतीय पार्टी की तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में 212 संकल्प किए थे और उन 212 संकल्पों में से सभी संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने उसे पूरा कर दिया। हालांकि अब जो घोषणा पत्र आएगा उस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ बंद होगा, क्योंकि 2022 के मध्य में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार घुसती हुई नजर दी। हालांकि उनके उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दोबारा प्रजोर रथ उठाने के साथ साथ उसको आपको आयामी जमीन देने के लिए लगातार प्रदेश सरकार का जो प्रयास है उसे कहीं ना कहीं फलीभूत करते हुए जनता के बीच में लेकर मिलना है और अपनी योजनाओं को गिराने का लगातार प्रयास करने का जो प्रयास है वो योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार करती नजर आ रही है। बल्कि महिलाओं के रोजगार की बात है, रोजगार की बात है, महिला के सम्मान की बात है, किसानों की आय की बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है वो इसको घूमने का लगातार विपक्ष प्रयास कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो शीर्ष स्तर के नेतृत्व की बात की जाए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात हो तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 212 संकल्प लिए थे और उन पूरे 212 संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया है।
हालांकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा, लेकिन अब जिस तरह से सवाल सरकार में तेज हो गई है, कल सुबह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बड़ी जिम्मेदारी है कि पूर्वांचल की जो सीटें छामा जाए, जो पूर्वांचल में जनता का जनाधिकार है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बनने पर है। और उनकी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं निभाने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें जिस पर सेंध लगाने के लगातार समाजवादी पार्टी या अन्य अलग राजनीतिक दल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं की भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वांचल क्षेत्र का जो जुगड़ है जो किला है उसे ढाया जाए, उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाए, उस पर सेंधमारी की जाए जी। और उस सेंधमारी को रोकने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में अपनी अमर कष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए निकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।